हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ है प्रकृति। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, वह हमेशा सोचता है, विचारता है और अपने चारों ओर के रहस्यमय संसार को देखने और हमेशा उसको समझने का प्रयत्न निरंतर करता है। वह सभी प्रकार की घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को हमेशा ढूंढ निकालने का निरंतर प्रयत्न करता है। उसने अपने चारों ओर के वातावरण में जैसे सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, आकाश, दिन, रात, ऋतु आदि सभी के बारे में उसने निरंतर जानने का प्रयास किया है और वह प्रारंभ में इन सब को ईश्वर की दृष्टि मान करके उसे ही इन सभी कारणों का उत्तरदायी मानता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसका प्रकृति के संबंध में निरंतर ज्ञान बढ़ता गया और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर निरंतर ढूंढता चला गया कि जैसे दिन रात क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलता है, वर्षा क्यों आती है आदि जैसे अनेक प्रश्नों का उसे प्रकृति के संबंध में धीरे धीरे उसके ज्ञान में वृद्धि होती गई। वैसे वैसे ही प्रकृति पर उसका नियंत्रण बढ़ता गया और मनुष्य अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जान पाया है। इस कारण से ही मनुष्य ने अनेक प्रकार के आविष्कार किए हैं जिससे मनुष्य चांद पर पहुंचकर उसकी प्रकृति पर उसके बढ़ते हुए नियंत्रण का ही आज एक हम परिणाम के रूप में हम हमारे सामने है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासी प्राणी है। वह हमेशा अज्ञात वस्तुओं या तथ्यों को जानने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं को, फिर उसने सामाजिक घटनाओं को समझने का निरंतर प्रयास किया है। सामाजिक घटनाएँ भी अपने आप में काफ़ी जटिल होती हैं और एक ही घटना के पीछे छिपे अनेक कारण हो सकते हैं और उन सभी कारणों को खोज निकालना कोई एक अपने आप में आसान कार्य नहीं है। फिर भी मनुष्य अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा सदैव आगे बढ़ रहा है। सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने की वह लगातार कोशिश कर रहा है। उसने मानव के व्यवहार के प्रेरकों को जानने की दिशा में निरंतर प्रयास किया है। उसने ये पता लगाने का प्रयास किया है कि कौन से नियम हैं जो मनुष्य की प्रेरणाओं और उसकी मनोवृत्तियों के आधार हैं। उसने अपने और सामाजिक पर्यावरण को जानने की दिशा में काफ़ी कुछ खोज निकाल रहा है कि वह क्यों और कैसे होते हैं आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर वो लगातार ढूंढ रहा है। वह आदिम, सरल, जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उसने ये जानने की हमेशा कोशिश की है कि एक समाज और दूसरे समाज, उसके रीति रिवाज, उसकी प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास, संस्कृति आदि में अंतर क्यों पाए जाते हैं। किसी समाज में अपराध, बाल अपराध है या श्वेत वचन अपराध या अन्य अपराध अन्य समाजों की तुलना में कम या किसी में अधिक क्यों होते हैं। अलग अलग समाजों के अपने अलग अलग रीति रिवाज, विवाह के नियम, परिवार के नियम आदि अलग अलग देखने को हमें क्यों मिलते हैं और धर्म किस प्रकार आर्थिक विकास में योगदान देता है या किस प्रकार से बाधा पहुंचाता है। किन समाजों में प्राथमिक और किन समाजों में द्वितीयक समूहों की अधिक प्रधानता पाई जाती है और पाई जाती है तो वह प्रधानता क्यों पाई जाती है। इनका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संघर्ष क्यों होते हैं और इनके पीछे छिपे हुए मूलभूत कारण क्या हैं। पारिवारिक और सामुदायिक विघटन के लिए इनमें से कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मनुष्य ने अपनी आविष्कार मूलक प्रवृत्ति के आधार पर सदैव प्रयत्न किया है और कार्यकारण संबंधों को जानने की हमेशा कोशिश की है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं तथा सामाजिक जटिलताओं को स्पष्ट करने का सदैव प्रयत्न किया है और साथ ही उसने प्राप्त ज्ञान की सत्यता का पता लगाने की भी निरंतर कोशिश की है। उसने विभिन्न घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए उसके कार्यकारण संबंधों को ढूंढने का निरंतर प्रयत्न किया है और इसी से उसने अनेक नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया है। पुराने सिद्धांतों की सत्यता को जांचने एवं नवीन सिद्धांतों की सत्यता का परिप्रेक्ष्य या नवीन दृष्टिकोण का विकास किया है और इसे ही हम शोध या अनुसंधान कहते हैं। जब सामाजिक क्षेत्र में
प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान अर्थात शोध या हम खोज के नाम से जानते हैं। सामाजिक अनुसंधान या शोध का अर्थ एवं परिभाषाएं। मनुष्य ने प्रारंभ में काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया। उसने ईश्वर या अलौकिक शक्ति को सभी प्रकार की घटनाओं का मुख्य कारण माना। पूर्व में उसने अपने ज्ञान का आधार अंतःप्रज्ञा या परंपरा या व्यक्तिगत अनुभव अर्थात प्रयत्न या भूल की विधियां रही और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता का हमेशा अभाव था। आज व्यक्ति इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और वह अब उसी घटना पर विश्वास करने लगा है जिसे वह अपनी आंखों से देख सकता हो, स्पर्श कर सकता हो, अनुभव कर सकता हो, कानों से सुन सकता हो, अर्थात वह अपनी ज्ञानेंद्रियों से उनको महसूस कर सकता हो और उसका तार्किक ढंग से उस घटनाओं को समझने उनकी वास्तविकताओं का पता लगा सके। इस प्रकार अब वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता है और यही अनुसंधान का प्रारंभ है। अनुसंधान का अर्थ है कि इसमें बार बार खोजना अर्थात इसमें भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। प्रथम व्यक्ति अपने अवलोकन के द्वारा घटनाओं के उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखने अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना और द्वितीय उन तथ्यों के अर्थ को जानकर उस घटना के पीछे छिपे हुए जो मुख्य कारक हैं उनको समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं हमेशा प्रमाणिक ज्ञान माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं। व्यक्ति ने धीरे धीरे विश्वसनीय एवं प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु शोध की अनेक ऐसी विधियों को की खोज निकाली है, अनेक ऐसी विधियों का निर्माण किया है जिन्हें हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इन विधि में तथ्यों का संकलन भी एक निश्चित टेक्निक यानी प्रविधि के द्वारा किया जाता है जिसमें जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, समाज में आदि का हमेशा सहारा लिया जाता है। अतः कह सकते हैं कि अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का ही एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है जिसे हम अनुसंधान कहते हैं।